और अब खबर श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से है, जहां एनसीए ग्रुप के सदस्यों पर हुए जानलेवा हमले के मामले ने तूल पकड़ना अब शुरू कर दिया है। दरअसल बदमाशों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर एनसीए ग्रुप ने विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर शहर बंद रखा और साथ ही ग्रुप सदस्यों ने मुख्य सब्जी चौक पर सभा का आयोजन किया और मौके पर मौजूद थाना प्रभारी किशन सिंह को ज्ञापन सौंपा है। वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। नाम जो मुलजिम का ये वो दर्ज करवाया, बाकी हमने मुलजिमों आइडेंटिफाई भी किया है। तफ्तीश से दो मुलजिम अरेस्ट हो गए, एक ये विष्णु सोनी और दूसरा सुपर्ण विष्णु। जो गाड़ी वारदात में काम में ली गई थी बोलेरो, तो बोलेरो भी जब्त कर ली और एक मोटरसाइकिल जो विजय जाखड़ के पास थी वारदात में, वो भी हम ले, बाकी जल्दी गिरफ्तारी कर लें। हम जब गाँवों में प्रचार करते थे कि निहालचंद ने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया और इस पर बलात्कार का मुकदमा भी चल रहा है और गुंडों के साथ इसका संबंध है और शहर में ये गुंडागर्दी करवाता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे भी करवाता है, और जब कोई चुनाव विधानसभा का हो चाहे कोई पंचायत समिति का हो, जब इनके मर्जी के बिना कोई भारतीय जनता पार्टी किसी को टिकट दे देती है जनता की मांग पर, तो ये उसकी खुले दिल से खुलकर मंच लगा करके उसकी खिलाफत करता है। और जो उस प्रत्याशी का, जैसे विधानसभा के प्रत्याशी का हमने समर्थन किया था, तो इसकी ये रंजिश रखने लग गया और उन कार्यकर्ताओं पर ये मुकदमा करवाने लग गया। जब हमने ये आवाज़ जनता के बीच में उठाई, जनता से न्याय मांगा, तब इसने